योगी सरकार के एजेंडे में अयोध्या, मथुरा और काशी। मथुरा के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया। धार्मिक और सांस्कृतिक सरोकारों को साधने की तैयारी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद की 300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे सीएम। 60 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। विधवा महिलाओं के लिए कुष्ठ कुटीर का लोकार्पण करेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ये आश्रय गृह बनवाया है। 1000 क्षमता वाले आश्रय गृह का नाम कृष्ण कुटीर रखा गया है। देश का सबसे बड़ा आश्रय है कृष्ण कुटीर। कृष्ण की धरती पर एक बार प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पधार रहे हैं। इस बार ब्रजवासियों को एक बड़ी सौगात देने के लिए सूबे के मुखिया आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह के तैयारियां जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ के आने के लिए हेलीपैड तैयार किया जा रहा है। हम इस सब वक्त मौजूद है कृष्णा कुटीर है, जहां विधवा आश्रय सदन है, जो 1000 बेडों का विधवा आश्रय सदन तैयार किया गया है, जिसका लोकार्पण करेंगे। उसके साथ साथ करीब 347 करोड़ के विकास की परियोजना का भी योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दूसरा, एशिया का सबसे बड़ा जो पार्क बनने जा रहा है वृंदावन के अंदर, उसका शिलान्यास करेंगे, उसकी आधारशिला योगी आदित्यनाथ रखेंगे। उसी के साथ साथ ब्रजवासियों को बहुत बड़ा तोहफा देंगे। अब कहा यही जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व योगी आदित्यनाथ ब्रजवासियों के लिए पिटारा खोल रहे हैं, वो एक बड़ी सौगात ब्रजवासियों के लिए मानी जा सकती है। दूसरा, इसके अलावा जो इतने बड़े विकास की परियोजनाओं का जब लोकार्पण और शिलान्यास होगा, तो निश्चित तौर पर ब्रजवासियों के साथ साथ जो वृंदावन है, वृंदावन को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिलेगी। और दूसरा बताना चाहेंगे, योगी आदित्यनाथ के साथ साथ प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, धर्मानंद चौधरी लक्ष्मीनारायण और पर्यटन मंत्री रीता भागुना भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा जो हेमा मालिनी, सांसद हेमा मालिनी, वो मौजूद रहेंगी। तो कहा यही जा सकता है कि ब्रज को एक नई पहचान देने के लिए योगी आदित्यनाथ का ये विकास का पिटारा खुलेगा। मथुरा से विनोद शर्मा, समाचार प्लस।